ऊपर दोनों आशीष जी सिर उठा के एक बार अंसी वाली तालियां मिलके एक साथ एक दो तीन Oh,
फिर देखो इसे कैसे पकड़ लो हाथ बनवारी ये लाइन सारे प्रेमियों के मुख से निकले आनंद बहुत आएगा एक बार मिल पकड़ लो नहीं तो हमारा बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाए जो जितना सरल होता है ना सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को मिलती है क्योंकि जो पेड़ सीधे होते हैं वो हमेशा काट दिए जाते हैं और जो पेड़ टेढ़े होते हैं ना उनको काटने के लिए लोगों को एक बार सोचना पड़ता है। मैंने कभी भी कहीं पे भी कीर्तनों में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये ग्रुप चाहिए मुझे ये साउंड चाहिए मुझे ये व्यवस्था चाहिए मुझे ये व्यवस्था चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा ना करना हमारी बेवकूफी है क्योंकि अच्छा कैसे करें जब हमारी बात आती है ना और हमने अगर कह दिया भैया इनको बुला लीजिएगा कहते हैं अरे इनके भी इतने नखड़े हो गए। ये हमारे लिए लोगों की सोच है लेकिन जब किसी भी कारण से कीर्तनों में दिक्कत होती है ना तो ब्लेम किसी और पे नहीं जाता और सीधे सीधे ये बोलेंगे कि भैया रेशमी शर्मा को बुलाया था कीर्तन में आनंद नहीं आया तो जब गलती मेरी नहीं तो सजा के हिस्सेदार में क्यों। आगे से मैं भी कुछ चीजों का ध्यान रखूंगी। पकड़ लो नहीं होता भैया वो जमाना अलग था भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा। पहले के जमाने में कहावत चलती थी नेकी कर दरिया में डाल ये कहते ना नेकी कर दरिया में डाल। जमाना बदल गया लोगों ने कहा नेकी कर और भूल जा और आज का जमाना ये है कि नेकी कर और जूते खा और फिर बोलूंगी तुम बोलते रेशमी शर्मा बोलती है बोलो पकड़ लो हाथ बनवारी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। आइए किसको किसको दरबार में घूमने की इच्छा है एक बार दोनों हाथ सीधे सीधे उठा के ठाकुर की तरफ देख के एक बार एक श्रृंगार का बहुत प्यारा सा भजन मिलके कहिए एक साथ मेजर कर लो। एक तो तेरे दीवाना।